हेलो एवरी वन माई निम पे एंड वेलकम बैक टू द के स्टडी विद मी आई थिंक दैट वी आर गोन हट फाइव हंड्रेड के वेरी सून पाँच लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस चैनल पर एंड द रीजन वाई आई सेट वी वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इफ वी हेट फाइव हंड्रेड के सो अगर तुम लोगों को क्यों एन एम पार्ट ले रहे हैं देन कीप एन आई ऑन माई यूट्यूब पोस्ट या फिर तुम इस चैनल के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सेकंड थिंग इज दट आई जैस आई रिक्वेस्ट यू आर टू जॉइन मेबरशिप इफ यू कैन देन प्लीज जॉइन मेबरशिप इट विल हेल्प मी आउट अलॉट क्योंकि यू गैस नो

कि क्या इन्हें सच में सज़ा मिलनी चाहिए मोर अबाउट टोडेज अराउंड लायल एंड एरिकंडस मनेंडस भाइयों की कहानी शुरू होती है उनके पैदा होने से कई साल पहले और मे सिक्स 1944. और यह स्टार्ट होता है जब क्यूबा हवाना में उनके फादर होजे एनरी के मेनेंडस का जन्म हुआ हो था होज़े बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव और एथलेटिक था वो अपने स्कूल में हर एक चीज़ में पार्ट लेता था और उन्हें जीतता भी था और ये ट्रेड होजे का आया था अपने पेरेंट्स से क्योंकि उसके फादर भी जवानी में स्पोर्ट्स खेला करते थे और उसकी मॉम स्विमिंग करती थी सो बीइंग एथलेटिक रैन इन द फैमिली जो कि तुम्हें आगे जाकर ब्रदर्स में भी दिखेगा पर जब होजे सोलह साल का था तब क्यूबन रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था एंड होजे ने बस सोलह साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट से मूव करना सही समझा और वो शुरुआत में अपने कजन के साथ रहने लगा कहा जाता है कि होजे इतने ज्यादा मजे में भी नहीं रह रहा था इट वॉज़ अ स्मॉल रूम जो कि उसकी कज़न की फैमिली एक स्टोर रूम जैसे यूज़ करती थी पहले पर एटलीस्ट उसके सर पर छत थी पर हौजे अपने पेरेंट्स के बारे में हमेशा सोचते रहता था कि वो कैसे होंगे वहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा है ना और जो उसके पेरेंट्स की तरफ उसका ये लगाव था दैट काइंड ऑफ हेल्ड हिम बैक सम समाइम हेल्ड हिम बैक से कहने का मतलब है कि कुछ भी नई चीज़ ट्राई करना या फिर कोई एथलेटिक या स्पोर्ट्स में ट्राई करना पर हौजे ने अपनी लाइफ कंटिन्यू करने की सोची और उसने सदर्न एलोनोय यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी जहाँ वो मैरी लुइस एंडरसन से मिला जिसका निक नेम किटी था किटी वॉज बॉर्न ऑन फोटी अक्टूबर 1941 इन ओक लॉ किटी के डैड का नाम था चार्ल्स मिल्टन एंडरसन एंड उसकी माम का नाम था मे हेलन किटी अपने घर में सबसे छोटी थी उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था जो और उसके दो बड़े भाई थे जिनका नाम था मिल्टन एंड ब्रायन किटी के डैड एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे और आर्मी से वापस आने के बाद उनकी एक एयर कंडीशनिंग और हीटिंग बिजनेस था तो वो ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी ही रहते थे और उनके दोनों बेटे मिल्टन एंड ब्रायन चार्ल्स की एयर कंडीशनिंग जॉब में मदद करते थे किटी की मॉम भी एयरपोर्ट में काम करती थी पर ये स्पेसिफ़िक नहीं है दैट व्हाट शी यूज्ड टू डू किटी के डैड इवन दो ही वाज अ हार्ड वर्किंग मैन वो फिर भी अपने बच्चों की तरफ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे वो किटी को और उसके भाइयों को बहुत मारते थे गाली देते थे जब किटी बहुत छोटी थी तो उनके डैड अपनी बीवी और अपने तीनों बच्चों को छोड़कर घर से भाग गए थे जिसका असर किटी पर बहुत ज़्यादा हुआ था एंड इट लेफ्ट हर विद डीप इमोशनल स्कार्स चार्ल्स का अपना घर छोड़ने के बाद उनकी फैमिली थोड़ा रिलीफ में तो थी क्योंकि अब बच्चों को मारा नहीं जाता था पर किटी की मॉम हेलन को ये चीज़ नहीं भाई उन्हें ऐसा लगता था कि चार्ज ने उन्हें किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया है एंड इस चीज से कोप करने के लिए शी टर्न टू एल्कोहल और बचपन में ही किटी को यह चीज समझ आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डिवोर्स या फिर अपने परिवार को छोड़ देना दुनिया में सबसे बड़ी गलती है एक औरत के लिए ये सबसे बड़ी गलती है किटी का चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा डार्क था क्योंकि किटी की ओल्डर सिस्टर जोवैन के अकॉर्डिंग जब उसके डैड ने इनकी फैमिली को लीव कर दिया था तो कुछ रिलेटिव्स इनके घर आते थे और इनमें से कहीं रिलेटिव्स ने किटी का फायदा उठाया उसको अब्यूज करा इवन दो किटी जस्ट ओल्ड ने अपनी मॉम से बहुत मिन्नतें करी और उन्हें कहा कि किटी को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए जहां वो सारे रिलेटिव्स और सारे लोगों से दूर हो किटी पहले ब्यूटी पैजेंट रह चुकी थी तो वो बहुत ही सुंदर थी तो होजे को पहली बार में ही किटी फिज़िकली बहुत पसंद आ गई थी और मिलते ही दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बनी तो वो दोनों डेट करने लगे दे बोथ वर इनटू इच अदर पर किटी होजे से क्लास में आ गई थी तो उसकी ग्रेजुएशन भी होजे से पहले हो गई थी तो ये देखकर कि किटी अब यूनिवर्सिटी से जा रही है होजे ने भी उसके साथ यूनी छोड़ दी और इन दोनों ने ही नाइनटीन में शादी कर ली और शादी करके न्यूयॉर्क मूव कर दिया जब होज़े बस 16 साल का था और किटी 22 साल की थी न्यूयॉर्क में रहते हुए होजे ने वापस कॉलेज आने की सोची और इस बार उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी एंड ही अ डिग्री इन अकाउंटिंग फ्रॉम क्वीन कॉलेज इसके ही थोड़ा टाइम बाद किटी और होजे का पहला बेटा पैदा हुआ ऑन टेंथ जनवरी नाइनटीन जिसका नाम था जोसेफ लायल मैनेंडस किटी अभी तक एज अ टीचर काम कर रही थी न्यूयॉर्क में पर लायल के पैदा होने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो घर में रहकर अपने बच्चे का ध्यान रखने लग गई पर घर तो चला नहीं था तो इस समय होज़े काम पर जाता था और क्योंकि ज़्यादा काम नहीं थे उस टाइम पर न्यूयॉर्क में तो हौजे एज अ डिस वॉशर वो एज़ अ डिश वॉशर काम करता था एक रेस्टोरेंट में पर फिर भी न्यूयॉर्क के बिल्स काफ़ी हावी हो रहे थे उन दोनों पर तो हौजे और किटी ने यह डिसाइड करा कि सबसे पहले तो अपने बच्चे की वजह से पर बिल्स की वजह से भी अपनी फैमिली को न्यूयॉर्क से मूव कर देते हैं एंड दे मूव फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी लायल के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही मनैंडस फैमिली न्यू जर्सी मूव हो गई एंड ऑन ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन सेवेंटी होजे और किटी का दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था एरिक मेनेडेस एंड एरिक वॉज लाइक जैसे ही एरिक पैदा हुआ होजे ने छोटे मोटे काम छोड़कर सीधा म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसने की सोची बट एज अन नहीं होजे बिहाइंड होजे के पास पहले से ही अकाउंटिंग में डिग्री थी तो उसने आर सी ए लेल में अप्लाई करा एंड ही वॉज एक्सेप्टेड और देखते ही देखते होजे आर सी ए लेल्स में एक टॉप एग्जीक्यूटिव बन गया था सो so, उनकी फैमिली एक बहुत ही ज्यादा गरीब हालत से एकदम एकदम बहुत अमीर हो गए थे उनके पास एक बहुत ही बड़ा घर था किटी को अब काम नहीं करना पड़ता था अपने बच्चों को देखना नहीं पड़ता था और लायल एंड एरिक की हर एक ख्वाहिश पूरी होती थी एंड इट वॉज़ ऑल बिकॉज होजे को मार्केट के बारे में पता था और उसने कुछ बहुत ही बड़े अपकमिंग आर्टिस्ट को आर सी ए में साइन करवाया सो ही वॉज़ गुड एट हिज जॉब पर इतना सारा पैसा साथ में आया था एकदम से कहीं ना कहीं आदमी पैसा देकर करप्ट हो ही जाता है एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड गो फॉर देयर फैमिली फैमिली टॉप वेल टाउनशिप में रहते थे और दोनों ही भाई एरिक एंड लायल प्रिंसटन डे स्कूल में जाते थे पढ़ने जहां होजे दोनों भाइयों को स्पोर्ट्स खेलने और स्विमिंग करने में एनकरेज करता था एक्चुअली well, डेटा के अकॉर्डिंग एनकरेज सही वर्ड नहीं होगा यहाँ पर होजे अपने बेटों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए फोर्स करता था क्योंकि हौजे खुद इतना सक्सेसफुल था तो अपने बच्चों को भी एनकरेज करता था सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से इन बच्चों पे प्रेशर था कि बड़े होकर तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा करना है एंड होजे के दोनों को ही यह चीज़ पसंद नहीं थी कि उनके बच्चे मीडियॉकर हों अगर वो किसी चीज़ में पार्ट ले रहे हैं किसी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं तो वो हमेशा फर्स्ट आने चाहिए थे उन्होंने लायल और एरिक को ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि अगर तुम किसी चीज़ में फर्स्ट नहीं आ सकते तो उस चीज़ को ट्राई भी मत करना सो so, दोनों भाई स्पोर्ट्स तो खेलते थे पर ज़्यादा नहीं पर एक स्पोर्ट्स जिसमें दोनों अच्छे थे वो था टेनिस तो होज़े ने दोनों भाइयों को बहुत सारा पैसा खर्च करके सबसे पहले तो कोच दिलवाया और फिर टेनिस प्रैक्टिस करवाई एंड ये दोनों भाई एक दिन में करीब चार से सात घंटे एक दिन में करीब चार से सात घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करते थे तो बुद्ध सिंह इन परस्पेक्टिव ये दोनों बच्चे स्कूल जाते थे उसके बाद ये स्कूल से घर आके करीब तीन से चार घंटे पढ़ाई करते थे क्योंकि अगेन यू कैन नॉट बी मीडियोकर इन स्कूल ऑल्सो एंड उसके ऊपर से ये दोनों चार से सात घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करते थे दे डिड नॉट हैव टाइम टू breathe. पर एरिक और लायल दोनों ही अपने बाप से होजे से बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला सकते थे तो जो भी होजे कहता था जैसा वो कहता था ये वैसा ही करते थे Now टाइम भी था नाइनटीन आया और अब तक होजे अपनी कंपनी में आर कंपनी में काफ़ी बड़ा हो चुका था उसने काफ़ी पैसा कमाया उसे मार्केट के बारे में पता था बट ही वॉज नॉट सेटिसफाइड सो so, इन नाइनटीन होजे ने म्यूजिक कंपनी से जॉब स्विच करके मूवी के बिजनेस में जाने की सोची और इंटरनेशनल वीडियो एंटरटेनमेंट में एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करा और ये करियर उसके लिए इतना चला क्योंकि पूरी फैमिली कंफर्टेबली बेवली हिल्स कैलिफोर्निया में मूव हो गए थे दिस ओनली मेंट वन थिंग कि होजे ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन एंड वो अपने काम में बहुत अच्छा था इनफैक्ट वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा था हो जाए कि ऑफ़िस में रेपुटेशन ऐसी थी कि काम निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था पर उसके मेथड्स इतने अच्छे थे इतने सॉलिड थे कि वहाँ पे भी ऑफिस में भी उसे कोई कुछ नहीं बोलता था उसने एक साल में तेईस परसेंट प्रॉफिट करा था इस कंपनी के लिए जो कि इस कंपनी ने पिछले सात साल में नहीं देखा था सो दैट इज़ वाई नो वन क्वेश्चन नो वन एवर क्वेश्चन बट बैक टू हिस् फैमिली दोनों भाई बेवली हिल हाई स्कूल में पढ़ते थे एंड आई यूजली डोंट गेट चैलेंस बट ओम माई गॉड लुक एट दाउसाइंड श्योरली इट वॉज एन ऑल एथिकल क्योंकि इतना पैसा इतना जल्दी सो अगेन बेवल्ली हिल्स मूव होकर एक इतना बड़ा घर लेकर मैनेंडस फैमिली का कहीं ना कहीं ईगो बूस्ट हो रहा था और उनकी जो ये परस्यूत थी एक परफेक्ट इमेज रखने की वो भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहनी चाहिए थी एंड हमेशा किसी भी फैमिली में अगर ऐसी परफेक्ट इमेज इंटैक्ट रखनी होती है तो वहाँ आते हैं बहुत सारे राज कैलिफोर्निया आकर लायल का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था उसका ध्यान स्पोर्ट्स में भी नहीं लगता था तो हाई स्कूल खत्म करने के बाद उसके डैड ने ही होजे ने ही उसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में घूस देकर एडमिशन दिलाया होजे ने ये चीज़ सोची कि शायद से यहाँ से पढ़ के ये मेरा ही बिजनेस ज्वाइन कर लेगा पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए लायल को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने तो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर दोनों किसी और से लिखवाए थे और लायल का नाम कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में भी खराब था ये चीज़ होज़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उसे अपनी इमेज क्लीन रखनी थी तो हॉजे ही स्टार्टेड पनिशिंग लायल एंड ये पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा सिवियर होती थी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन जब भी होजे लायल को पनिशमेंट देता था या फिर पनिश करता था तो इस बीच किटी कुछ भी नहीं बोलती थी अगर तुम लोग भूल गए हो तो किटी लायल और एरिक की मॉम है और हौजे की वाइफ और ये ऐसा नहीं था कि किटी हौजे से डरती थी ये डर की वजह से नहीं था बल्कि ये था किसी भी चीज़ को या फिर किसी ऐसी चीज़ को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें मैटर नहीं करती है आई डोंट नो वाई दैट थिंग डिट नॉट मैटर टू हर क्योंकि ये उसके बच्चे थे बट वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग होशे लायल का मजाक उड़ाता था उसे डिस्करेज करता था क्योंकि लायल चौदह साल की उम्र से ही बॉर्ड होना शुरू हो गया था होजे लायल की फिजिकल अपेरेंस के लिए भी उसे शेम करता था उसने लायल को चौदह साल की उम्र से ही विक पहनने के लिए कहा यह बोलकर कि तुम एक बुढ़े आदमी जैसे दिखते हो विच जस्ट मेड हिम मोर इनसिक्योर अबाउट हिमसेल्फ एंड इन जनरल ऑल्सो होजे वॉज वेरी टफ ऑन लायल नॉट ऑन एरिक ऑन लायल रिमेंबर दैट थिंग लायल काफी बड़ी उम्र तक भी अपना बेड वेड करता था आई थिंक ही डिड दैट थिंग टिल ही वॉज सिक्सटीन और ये ऐसा कुछ नहीं था कि मस्ती में उसने सुसु कर दी बेड में ठीक है दिस वॉज बिकॉज ऑफ ट्रामा दिस वॉज बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड दिस वॉज ओवरऑल बिकॉज ऑफ हज पेरेंट्स बिहेवियर बट इस चीज को ऐसे देखते हुए कि मेरा बेटा बेड वेड कर रहा है सोलह साल की उम्र में भी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ऐसे नहीं देखते हुए होजे ने इस बात को भी एज अ वेपन यूज करा अगेंस्ट लायल और वो उसे हमेशा ये धमकी देता था कि मैं तेरी क्लास बता दूंगा कि तू इतना बड़े होकर भी है ना बेड में सुसु करता है सो ओवरऑल द थिंग वॉज की लायल जो कि बड़ा भाई था उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था अपनी फैमिली में तो लायल का फैमिली में अच्छा टाइम नहीं चल रहा था उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था अब वो क्या करता तो होजे ने सोचा कि डिग्री थोड़ी मैटर करती है काम नहीं करता था ऑफिस वाले लोग भी उसे गंदी नजर से देखते थे क्योंकि भाई बॉस का बेटा है ऑब्वियसली नो वन लाइक्स यू ऊपर से लायल का एटीट्यूड भी ऑफिस में ढंग का नहीं था वो लोगों से रूडली बात करता और हमेशा ऑफिस से जल्दी घर चले जाता था एंड नॉर्मली वो अपने पोशे में घूमता था जो कि उसे होजे ने ही दिलाई थी फॉर ज्वाइनिंग हिज कंपनी इज़ इन इज सो फनी कि अमीर लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे तमीज़ से बात नहीं करते या फिर दे आर नॉट ओबीडियंट जबकि ज़्यादातर रिच पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं नॉट ऑल पेरेंट्स ऑब्वियसली तो में से कई सारे लोग अमीर आई नो दैट दिंग पर एम जस्ट सेइंग दिस थिंग कि एक बच्चा वैसे ही शेप होता है जिस तरह से उसे प्यार मिला जाता है और जिस तरह से उसे छूट दी जाती है इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम्हारे बच्चे को भी बाहर से प्यार नहीं मिलेगा नाउ कमिंग बैक टू लायल वो कुछ खास नहीं कर रहा था ज़िंदगी में पर दूसरे हाथ में उसका छोटा भाई एरिक ही वॉज डूइंग ग्रेट एरिक हाई स्कूल में ही था और हाई स्कूल में पढ़ते हुए एरिक के भी ग्रेड्स को ज़्यादा खास नहीं थे पर वो टेनिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था ही वॉज़ रैंक्ड फोर्टी फोर्थ इन यू एस जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप और वो सेमीफाइनल तक भी गया था न सुनने में अभी तक सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली जैसा ही लग रहा है मनेंडस फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीबी से एकदम अमीर हो गई थी दोनों पति पत्नी ने लव मैरिज करी थी उनके दो बेटे थे अच्छे थे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन स्पोर्ट्स खेलते थे अपने पेरेंट्स का नाम खराब नहीं होने देते थे पर मनैंडस फैमिली की रियलिटी कुछ और ही थी पूरी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे लेकिन हम शुरुआत करते हैं इस घर के हेड होजे से जैसे कि मैंने बताया होजे अपने काम में बहुत ही अच्छा था दोनों सेक्टर में म्यूजिक में भी फिल्म में भी ही वॉज डूइंग ग्रेट और उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था दोनों ही सेक्टर से पर जो उसके मेथड्स थे वो अनएथिकल थे होजे का एंड साइट बस प्रॉफिट होता था और वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने फिल्म लाइन ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि उसकी पोजीशन उससे कोई नहीं छीन सकता जो कि हायर लेवल्स के जो बंदे होते हैं सूट में बैठे हुए उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आई एंड विद इन अ ईयर जब उसने म्यूज़िक से फिल्म में स्विच करा था विद इन अ ही वॉज मेड सी ईओ ऑ ऑफ दैट कंपनी पर होजे की कंपनी में बाकी सब लोग उससे नफरत करते थे पहली बात तो ये थी कि उसका बिहेवियर किसी के साथ भी ठीक नहीं था इवन विध सूट सेकेंडली हो बा भी ही वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ अफेयर्स ऑफिस के फीमेल वर्कर्स के साथ होजे चीजें फोर्सफुली करता था एंड वर्कर्स वहाँ के कुछ कर भी नहीं सकते थे बिकॉज देयर जॉब डिपेंडेंट ऑन द स्काय एनी हरासमेंट बस लड़कियों तक सीमित नहीं थी क्योंकि हो से नए हायर्ड बैंड्स या फिर एक्टर्स को भी सेक्शुअली असोल्ट करता था और फिर से वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यू you नो know, अगर वो कुछ बोलते तो करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता उनका और इन सभी चीज़ों के बारे में किट्टी को पता था उसकी बीवी को पता था पर जैसे वो लायल की मार नज़रअंदाज करती थी वैसे ही उसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया बट ऑल ऑफ दिस वॉज नथिंग दीज अनएथिकल वर्किंग एक्सपेरिमेंट्स जो उसके अफेयर्स थे ऑफिस और ऑफिस से बाहर भी टू वट हिड टू हिस्स किड्स अगेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग आगे बट होज़े एक बहुत ही बुरा आदमी था अकॉर्डिंग टू द टेस्टमिनी लायल और एरिक की टेस्टमिनी से और जितने भी लोग होज़े को जानते थे उसकी टेस्टमिनी से भी लायल और एरिक दोनों ही हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लड़के हैं ना हैंडसम दिखते थे वो अमीर भी थे वो अपनी क्लास में फेमस भी थे वो लोग पर उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वो अपने पापा को अपने डैड को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो लायल जो बड़ा भाई था लायल वो अपने डैड की वैलिडेशन सीख करता था तो अपने पापा की हर बात मानना उनके सामने आसपास घूमना जो भी वो बोलते थे वो चीज स्पेसिफिकली करना लेकिन जैसे ही एरिक हाई स्कूल में पहुंचा, उसने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया और वो घर से बाहर भागने लगा एरिक ने हाई स्कूल के बाद से ही अपने डैड की बात सुननी बंद कर दी थी और वो जो भी उसके मन में आता वैसा ही करता था तो कई बार एरिक एक मिलनर का बेटा दूसरे लोगों के घर में जाके चोरी करता या फिर किसी दुकान में चोरी कर देता था और जिन दोस्तों के साथ जाकर एरिक चोरी करता था उसने उन्हीं दोस्तों को अपने भाई से भी मिलाया और अब एरिक के दोस्त एरिक और उसका भाई मिलकर सिर्फ मजे के लिए लोगों के सेफ तोड़ने लगे थे अगेन लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग दैट दे वर रिच एज फक का नेटवर्थ था 14 मिलियन डॉलर्स उस टाइम पे 19 आई थिंक की बात है yeah. 14 मिलियन डॉलर उन दोनों की ही एक तरीके से सो so इन दोनों को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी पर अपना टाइम काटने के लिए थ्रिल के लिए एक्साइटमेंट के लिए ये दोनों ऐसा करते थे इस कह रिमांइंड मी ऑफ दिस थिंग अगर तुम लोगों ने कभी यूट्यूब की ये साइट देखी होगी तो आई एम गेटिंग ट्राइट अगेन बट लिसन टू मी अगर तुम लोगों ने यूट्यूब की ये साइट देखी ना जिसमें अमीर बच्चे ये जो अमीर बच्चे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बिजनेस के बच्चे जो होते हैं ये लोग इनके पास लाइक मोस्ट ऑफ देम आर ओके ही आई थिंक सो पर इनमें से कुछ हैं बैड रॉटन एपल्स जिनके पास ना ना कोई हॉबी है ना इनके पास कुछ करने के लिए होता है सो दे फिल्म दैम ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार्स लेते हैं और कहीं बार दिल्ली की सड़कों में मुंबई की सड़कों में दिन दहाड़े दिन दहाड़े वट डे डू इज़ दे कीप देयर कैमरा ओवर हेयर दे फिल्म दम एंड ये लोग टॉप स्पीड में जाने का ट्राई करते हैं फॉर वट आई हैव नो आइडिया बिकॉज दे डोंट इम्प्रेस एनी वन जो जो मैं क्या इम्प्रेस होगा कोई भाई मेरे तो समझ नहीं आती बात ऐसा तो मोहन भी चलाता है यहाँ बाइक मैं तो इम्प्रेस नहीं होता उससे पर जब मैंने सोचा इस बारे में कि वाई डू दिस पीपल डू दिस थिंग है ना क्योंकि वो लोग कॉमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं करते मोस्ट ऑफ देयर वीडियोज़ आर लाइक टर्ंड ऑफ कॉम्स टर्ंड ऑफ तब मुझे बाद में समझ आया कि ओके दे डो दिस थिंग बिकॉज देर बोर्ड दे वांट सम थ्रिल इन दियर लाइफ वैसे ही सेम सिचुएशन लाइल और एरिक की भी थी पर जो ये चोरी वाली बात थी इसका पता होजे को चल गया था क्योंकि लोकल पुलिस को जैसे ही चोरी के बारे में पता चला उन्होंने सबसे पहले होजे को कांटेक्ट करा होजे को बहुत गुस्सा आया इसलिए नहीं क्योंकि उसके बच्चों ने चोरी करी थी बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके बेटे चोरी करने के बाद पकड़े गए थे होजे ये सोचता था कि एक मैनेडस ब्लड होने के बावजूद भी इन दोनों से प्रॉपरली क्लीन चोरी नहीं हो पाती थी और लास्ट में होजे को पुलिस को घूस देना पड़ता था सो दिस वॉज अ रिकरिंग पैटर्न फॉर बोथ ऑफ एम ये दोनों चोरी करते पकड़े जाते फिर होजे घूस देता पर फिर यहाँ पे ये भी बात है कि ये अपने बच्चों को क्या मॉरस दे रहा है क्या सिखा रहा है होजे की आंखों में चोरी करना सही था एज लॉन्ग एज तुम पकड़े ना जाओ और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके काम में भी कोइनसाइड होती थी क्योंकि कोई ना बनता मेले इतने कम सालों में सो कर्मा वैकिंग अप फॉर देम बट लिटरली एवरी थिंग वॉज अबाउट टू चेंज क्योंकि मैनेडेस फैमिली का जो पास था पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता थी कि उनके पास की वजह से उनकी फैमिली अचानक से कितनी बदलने वाली है अगस्त ट्वेंटी एथ नाइनटीन एटी नाइन होजे और किटी अपने बेबली हिल्स वाले मैंशन में थे एंड इट सेड कि ये दोनों उस दिन डेट पे थे इसीलिए लायल और एरिक घर से बाहर बैटमैन मूवी देखने के लिए चले गए एंड अपने पेरेंट्स को और टाइम देने के लिए ये लोग थिएटर के बाद टेस्ट ऑफ एल फेस्टिवल में भी गए उनके घर में तीन वर्कर्स थे पर उस दिन वहाँ कोई नहीं था Probably बिकॉज होजे को किटी के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना था तो उसने सबको घर भेज दिया था सो so, लायल और एरिक ये दोनों अपनी पोर्शे में गए थे थिएटर में रिमेंबर दिस थिंग मैंने तुम्हें बताया था कि होजे ने उसे पोर्शे गिफ्ट करी थी जब उसने कंपनी ज्वाइन करी थी एक्चुअली लायल के पास मल्टीपल गाड़ियाँ थी बट स्टिल यू नो सो ऑन ट्वेंटी August ऑगस्ट जब ये दोनों फेस्टिवल से घर वापस आए इन्होंने घर में एंटर करते ही ये देखा कि हौजे और किटी दोनों को किसी ने गन से मार दिया है उन दोनों ने ही पैनिक करा और एरिक ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग लायल उस टाइम पे अपने घर के दरवाजे में ही खड़ा था जब एरिक जमीन में था और रो रहा था यू आर स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस एवरी पर एरिक को रोता हुआ देखकर वो भी रोने लगा लायल ने अपने डैड की बॉडी उठाई उन्हें ऐसे हाथ में लिया एंड ही स्टार्टेड टू क्राई और बहुत रोने के बाद लायल ने पुलिस को कॉल करा नाउ द क्लिप दैट आई एम अबाउट टू शो यू इज़ बहुत ही बुरी है सो व्यूअर डिस्कशन और अगर तुम लोग ये क्लिप देखने वाले हो देन पे अटेंशन टू हाउ स्पीक्स एंड स्पेसिफिकली ये चीज ध्यान देना कि वो क्या एंड कैसे बोलता है Hello, <laughs> <laughs> Are they still there? Yes. Yeah. The people. Oh, no, no, no. Were they shot? Yes, uh, Were they shot? Yes. Yeah. They were shot. Yes. One of them too. One of them is shot. Seven twenty-two North Elmira. Uh, what happened? They're <laughs> I have a hysterical person on. I'm trying to get him further. Other units responding. <laughs> What happened? We have units around. What happened? I don't know. Who shot who? I don't hear anything. You came home and found who shot? My mom and dad. You know what? They're still in the house. The people that did the shooting. get away from them. Okay, Hang on. let me talk to Eric. It's <laughs> Let me. Let me, who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. <laughs> okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. <laughs> oh. Okay. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. <laughs> Okay, ये दोनों ही भाई टूट चुके थे और उनके पेरेंट्स के मनने के बाद कई सारे लोग आए थे इनके घर उनसे बात करने के लिए पर लायल को बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि भला कोई ऐसा क्यों करेगा पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा क्राइम सीन तो वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि होजे के बिहेवियर की वजह से आई I मीन mean, उसके शेडी बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से शायद होजे को कोई दूसरी कंपनी के आदमी या फिर किसी आर्टिस्ट के आदमी ने जान से मारने की कोशिश करी और पुलिस ऑफिसर्स ने दोनों भाई एरिक और लायल को यह भरोसा दिलाया कि वो जल्द से जल्द उनके पेरेंट्स के कातिल को ढूंढ देंगे और उनके सामने रख देंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग गई सीधा कुछ महीने बीते पर पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा फिर थोड़ा और टाइम भी और सभी लोग होजे और किटी के मर्डर के बारे में भूल गए जो भी लोग होजे के घर में आए थे लायल और एरिक से मिलने वो भी वापस अपने नॉर्मल रूटीन में चले गए पर कुछ डिफरेंट था अपने पेरेंट्स के मरने के कुछ महीने बाद ही लायल और एरिक दोनों बहुत ही ज्यादा आलिशान जिंदगी जीने लगे थे वो विरासत में मिला हुआ ऑलमोस्ट वेट आई जस्ट सेड विरासत वो हेरिटेज में मिला सारा पैसा गाड़ियों पर लड़कियों पर और इन्वेस्टमेंट पे उड़ाने लगे विच वॉज अगेन गर्ल्स एंड कार्ड ऑनली ने एक स्ट्रीट कैफे खरीदा था एक बेफलो विंग रेस्टोरेंट खरीदा जो कि प्रिंसटन न्यू जर्सी में था और न्यू जर्सी के प्राइसेस उस टाइम पर भी बहुत ही ज्यादा थे उसने अपने लिए एक रोलेक्स एक्स वॉच खरीदी एंड देन आई थिंक उसने अपने भाई के लिए भी एक रोलेक्स वॉच ली थी जिसके बाद एरिक ने भी अपने लिए एक पोरस खरीदी और पोरशे जैसी गाड़ी खरीदने के बाद उसने तो अपनी गाड़ी अपने घर में पार्क करी और वो वर्टोर पर चले गया एरिक ने अपने लिए एक प्राइवेट टेनिस कोच हायर करा और इसराइल में हो रहे कहीं सारे टेनिस मैचेस में वो भाग लेने लगा इवन दो एरिक वाज ट्राइंग टू प्ले टेनिस प्रोफेशनली उसे कुछ ज़्यादा प्राइजेस नहीं मिले ही डिड विन सम अप्स बट ज़्यादा कुछ नहीं इसके बाद दोनों भाइयों ने अपना बेवली हिल्स का मैंशन छोड़कर पास में ही मारियाना डेल रे सिटी में रहने के लिए सोचा वो दोनों ही जॉबलेस थे फिर भी उन्होंने अपना मैंशन नहीं बेचा और मारियाना डेलरे में भी उन्होंने एक नया मैंशन खरीदा था अपने नए मैंशन में इन लोगों ने कुछ हफ्ते पार्टी करी विद बोज गर्ल्स एंड एवरीथिंग। जिसके बाद ये दोनों दोबारा अपना नया घर छोड़कर लंदन और करेबियन क्रूज पे निकल गए एंड इस पॉइंट पे कुछ महीनों में ही इन दोनों के एक्सपेंसेस सात लाख डॉलर्स थे हाउ मच मनी इज सेवन लाख डॉलर्स आज के डेट में तो सोच लो 1989 में इन दोनों ने कुछ महीनों में ही इतना पैसा खर्च कर दिया था पेरेंट्स के मरने के कुछ महीने बाद इन्होंने इतना पैसा उड़ा दिया दे वर लिटरली ब्लीडिंग मनी पर फिर लोगों ने और रिश्तेदारों ने ये चीज नोटिस करनी शुरू कर दी कि भाई ये तो अपने माँ बाप के मरने के बाद बड़े खुश हैं बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं और इस ही न्यूज की वेफ लग गई थी पुलिस को भी सो so, पुलिस दे पुट टू एंड टू टुगेदर एंड दे अरेस्टेड मेन ब्रदर्स अब यहाँ पे हुआ क्या लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू पहले तो पुलिस होजे से रिलेटेड सारे मॉब रिलेशन की तरफ देख रहे थे कि कौन इसे मार सकता है पर फिर पुलिस के के हाथ में कोई भी आदमी न लगने के बाद इनका विजन शिफ्ट हो गया भाइयों पर कि कैसे उनका का मरना, उनके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल था इसीलिए पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए रास्ते ढूंढे तो सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि छोटे भाई एरिक को पकड़ा जाए तो एरिक का एक दोस्त था क्रेग पुलिस ने उसे वायर करा और उसको कहा कि एरिक से एक कन्फेशन दिला दो

पर एरिक से एक गलती हो गई एरिक अपने हाई स्कूल से निकलने के बाद से ही एक साइकोलॉजिस्ट पे जा रहा था और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर एक चीज के बारे में आगे ही बात करूंगा सी इज जस्ट द वे आई राइट ठीक है इट विल ऑल कनेक्ट यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी एंड आई थिंक जब सब कुछ कनेक्ट होगा ना तब तुम्हें समझ आएगा कि ये ब्रदर्स कैसा फील करते थे पर मेरे इमोशन मैटर नहीं करते हम आगे बात करेंगे कि एरिक एक साइकोलॉजिस्ट पे और थेरेपी पे क्यों जाता था बट एनिविज इन वन ऑफ इशन एरिक ने अपने साइकोलॉजिस्ट को ये कन्फेस करा था कि उसने ही अपने पेरेंट्स को मारा है स्पेसिफिकली एरिक ने ये कन्फेस करा था कि उसने अपनी माँ को गोली मारी थी और फिर इस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी मिस्ट्रेस को ये बताया और उस मिस्ट्रेस ने पुलिस को बता दिया एक और चीज़ यहाँ पर ये थी कि जब इनके पेरेंट्स का फ्यूनरल था ठीक है तो ये साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे मौजूद था तो उसी ने बताई थी ये बात कि जब इनके पेरेंट्स का फ्यूनरल था तो लायल ने होजे के जूते पहने हुए थे तो जब लोग फ्यूनरल में इनके पास आए तो सबसे पहले तो लायल का मूड खराब नहीं था हिज मूड वॉज ओके पर वो फिर बार बार पे जोक मार रहा था कि देखो आई कैन फिट इन माई डैड्स शूज विच मट कि वो अपने डैड की पोजिशन लेने वाला था उनकी कंपनी में एंड ही ऑल्सो मीट दिस थिंग कि वो अपने डैड से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा काम करेगा ऑल बिकॉज ही वॉज फिजिकली एबल टू फिट इन टू हिज दैट शूज विच इज अगेन वियर क्योंकि तुम्हारे घर वाले अभी अभी मरे हैं तुम तो उनकी मौत के एक दो दिन बाद ही ऐसे जोक मारे डज नॉट sense. और इस ही बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट के कन्फेशन और उसकी मिस के कन्फेशन पर पुलिस ने दोनों लायल और एरिक को अरेस्ट कर दिया था इवन दो उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि लायल कभी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें पर क्या सच में इन दोनों भाइयों ने अपने पेरेंट्स को मारा था एंड एक्चुअली में अगस्त की बीस तारीख को हुआ क्या था ओके ट्वेंटी अगस्त 1989 को होजे और किटी सच में घर में थे डेट पर वो दोनों ही अपने मैंशन में डेन बोलकर एक जगह होती है वहां पर बैठे हुए थे विच एंड माई नॉलेज इज द रूम नेक्स्ट फ्रॉम एंट्रेंस जहाँ ये लोग चिल करते हैं मूवीज देखते हैं या फिर बस हैंग आउट करते हैं पर जैसा कि लायल और एरिक ने पहले कहा था कि हम मूवी देखने गए थे ऐसा कुछ नहीं था लायल और एरिक अपने पेरेंट्स को घर में छोड़कर साथ में घर से बाहर निकले थे पर कहीं दूर नहीं सिर्फ अपनी गाड़ी तक गए थे वो लोग और कार से वापस घर के अंदर ये दोनों अपने हाथ में शॉट गन्स लेके आए थे और ये गन्स उन दोनों ने एटीनथ अगस्त को दो दिन पहले खरीदी थी सो दे वर प्लानिंग दिस थिंग फॉर एटलीस्ट टू डेज इन दोनों ने घर में घुसते ही छः शॉट होज़े को मारे जिनमें से दो शॉट उसके सर में लगे थे और एक शॉट उन्होंने मारा था इसके पैर पे ताकि होजे भाग ना पाए ये देख कर किटी चिल्लाई और उसने भागने का ट्राई करा तो इन दोनों ने किटी के पैर में भी एक शॉट मारा फिर उसके गाल में एक शॉट मारा और फिर बाकी बचे हुए आठ शॉट उन्होंने किटी की बॉडी में मार दिए हर जगह खून ही खून था ये चीज़ की फुटेज भी है पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हें भी पता ही होगा कि शॉर्ट गन की पावर कितनी ज़्यादा होती है और इतनी क्लोज रेंज में मारने पे, पे हर एक चीज़ एक्सप्लोर्ड हुई होगी तो देर होल हाउस वॉज कवर्ड विद ब्लड वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन लीव द इमेज लिंक इन डिस्क्रिप्शन ठीक है बट इट वॉज लिटरली लाइक कि सफ़ेद दीवार और सफ़ेद दीवार आधी लाल हो रखी है इतना ज़्यादा खून था तो ये दोनों बिना कुछ सोचे बिना किसी रेज में गोलियां मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं और जैसे ही गोलियाँ ख़त्म हुई ये दोनों रुके दोनों के दोनों भाई वहाँ पर कामली खड़े थे पर फिर एरिक ने अपनी साइड आई से देखा कि उसकी मम्मी किटी अभी भी भागने का ट्राई कर रही थी एंड शी कुड क्रॉल शी शीव स्टिल अलाइव वो अभी भी जिंदा थी विच आई डोंट नो हाउ पर किटी अपनी उस अदमरी हालत में भी क्रॉल करते हुए काउच के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही थी तो एरिक जल्दी से घर से बाहर गया अपनी कार की तरफ उसने कार में रीलोड करी शॉर्ट वो वापस आया और उसने किटी के अंदर चार गोलियां और मार दी और इन चार में से एक गोली लगी थी किटी के सर पे शी शिव जब किटी की बॉडी मिली थी तो वो इस कंडीशन में थी कि उसे रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे थे लोग उनकी खुद की मम्मी की शक्ल इस हालत में थी कि कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि ये औरत है कौन देयर पेरेंट्स वॉट डेड पर एक नॉर्मल आदमी इस सिचुएशन में क्या करता वहाँ से भाग जाता राइट सी दैट्स वेयर इट गेट्स ट्विस्टेड क्योंकि ये दोनों भागे नहीं वहाँ से ये दोनों घर में ही रहे इन दोनों ने सोचा कि ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट गन की आवाज़ कितनी लाउड होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पड़ोसियों ने सुन लिया होगा आवाज़ को अभी तक पड़ोसी लोग अभी तक पुलिस को कॉल कर देंगे पुलिस यहाँ आ जाएगी तो पुलिस को हम ये बोलेंगे कि हम दोनों पीछे वाले कोर्ट में थे घर के पीछे वाले कोर्ट में थे हम लोगों ने गन शॉट की आवाज़ सुनी और जब तक हम घर के अंदर आए तब तक लोग हमारे पेरेंट्स को मार के भाग चुके थे और अगर पुलिस उनसे पूछती कि तुम्हारे बॉडी में खून के धब्बे क्यों हैं तो वो ये बोल देते कि अपने पेरेंट्स को इस हालत में देख कर उन्हें पकड़ा हम उन्हें पकड़ के रोए ऐसा कुछ हुआ इसीलिए वो उससे बच जाते दिस प्लान फ़ॉर देम was काइंड ऑफ ओके क्योंकि शॉर्ट गन से सच में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है सो दे वेटेड दे वेटेड दे वेट दे वेटड सम मोर पर कुछ भी नहीं हुआ पुलिस नहीं आए वहाँ पे यहाँ तक कि नेबर्स भी नहीं आए उनके घर में हाँ उन लोगों का घर बड़ा था उन लोगों का मैंशन था उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी थी पर इतना बड़ा भी नहीं था कि शॉर्ट गन की आवाज़ बगल तक ना जाए तो पैनिक करते हुए फिर इन दोनों ने खुद को तो क्लीन करा और फिर ये दोनों सच में बैटमैन मूवी देखने गए एंड और टाइम लेते हुए ये लोग सच में बैटमैन मूवी देखने के बाद फेस्टिवल गए थे फेस्टिवल से जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तो इन्होंने सोचा फॉर श्योर sure, अभी तक तो किसी ने हमारे पेरेंट्स की बॉडी देख ही ली होगी पर जब ये लोग घर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था दे पेरेंट्स वर स्टिल लाइंग लास्ट रिजॉर्ट खुद लायल ने पुलिस को कॉल करा था और वही रिकॉर्डिंग तुमने सुनी थी अभी कुछ मिनट पहले ओके ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट प्लान राइट ऐसा लग रहा था जैसे किसी आठ साल के बच्चे ने प्लान बनाया होगा वाज करेक्ट और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तुम लोग थक पर प्लान सुन के ही इनका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा ईजी था चाहे तीनों प्लान में से कोई से भी प्लान का एंड देख लो तुम लोग इनका पकड़ा जाना श्योर था उस दिन जब पुलिस फर्नेडेस के घर में पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि लायल घर के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और एरिक अंदर में था जहां वो अपनी मॉम के बगल में बैठकर रो रहा था तो इसीलिए पुलिस ने पहले लड़कों पर शक नहीं करा और ना ही उनके हाथ शॉटगन गन के लिए चेक करे ना ही उनके क्लोज चेक करे ना ही उनकी कार चेक करे एंड दे कम्पलीटली बिलीव देम और फिर इन दोनों भाई की बताई हुई स्टोरी पर ये मॉब वाली स्टोरी पर ही पुलिस मान गई थी बिलीव करने लगी थी बट एट दी एंड दे बोथ और कोर्ट जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई मैनेंडस ब्रदर्स के नाम से तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे दोनों सब लोगों की नज़र कोर्ट टी पर थी और बहुत लोगों को जानना था कि क्या सच में इन्हीं भाइयों ने अपने पेरेंट्स को मारा था शुरुआत में मेनेंडस ब्रदर्स अपनी स्टेटमेंट पर पूरा अड़े रहे और ये केस चालू हो गया डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पर अरे ये कहने लगा कि मेरा थेरेपिस्ट होने के नाते तो मैं जो भी मैं बोलता था सेशन में वो चीज़ बाहर नहीं बोलनी चाहिए थी पर थेरेपिस्ट कहने लगा कि तूने तो अपने पेरेंट्स को मारा था पर बाद में पुलिस को ये चीज़ पता चली थी कि लायल को लायल को ये चीज़ पहले ही पता चल गई थी कि साइकोलॉजिस्ट की मिस्ट्रेस को इनके बारे में पता है तो लायल ने पहले तो इस मिस्ट्रेस को घूस दी थी पर जब वो घूस से नहीं मानी तो उसने उसे धमकाया था कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे और ये बात पता चलने पर कोर्ट ने मैन ब्रदर्स की प्ली डिसमिस कर दी थी न जितनी भी बात मैंने तुम तो अभी तक बोली कॉन्फिडेंशलिटी के बाद ये बोलने में तो सिर्फ दो लाइन की है लेकिन दिस थिंग इट टुक सो लॉन्ग कोर्ट तो तुम्हें पता ही है कि कैसे चलता है सो इट टुक वेरी लॉन्ग बट एट दी एंड एरिक और लायल दोनों ने ही कन्विस्ट कर दिया था उन दोनों ने ही ये कन्विस्ट कर दिया था कि हाँ उन्होंने ही अपने पेरेंट्स को मारा है इन दोनों भाइयों ने ही मिलकर ये प्लान बनाया था अपने पेरेंट्स को मारने का बट इट वॉज नॉट फॉर द मनी It was out of fear. Now a huge, huge trigger warning over here, and I am going to say SA a lot, वरना ye video upload nahi hogi But I am 100% sure, you guys know what SA means. So yeah. Now the story was ki Hosey और Kitty दोनों अच्छे parents नहीं थे. और इन दोनों भाइयों को ये डर था कि उनके ही parents उन्हें मार देंगे कुछ दिनों में. इसलिए they took action before. क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी होजे अपने बेटों को सेक्शुअली असोल्ट करता था नॉट ओनली ऐसे बल्कि वो उन्हें मारता भी था वर्बली अब्यूज करता था विच अफेक्टेड दम साइकोलॉजिकली और ये सब कुछ होजे करता था जब ये लोग चार साल की उम्र के थे तब से अपने डैड को तो उन्होंने इसलिए मारा पर अपनी मॉम को किटी को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि किटी सब कुछ देखती थी उन्हें सब कुछ पता था पर होजे के अपने घर से बाहर बहुत सारे अफेयर्स थे ऑफिस में उसके बहुत सारे अफेयर्स थे और वो बहुत सारी बिजनेस ट्रिप पे जाता था तो वहां भी उसके अफेयर्स थे किटी को इन सब के बारे में पता था अपनी पावर के थ्रू होजे ने कहीं सारे लड़के लड़कियों को हरास करा था पर होज़े एक पेडोफाइल भी था और वो अपने ही बच्चों का अपने ही बेटों का फ़ायदा उठाता था बहुत ही छोटी उम्र से होज़े अपने बेटों को छेड़ता था जो कि उन्हें पहले तो कुछ अजीब से नहीं लगा लाइक like नहलाते हुए या उनके साथ स्पोर्ट्स खेलते हुए वो अपने बच्चों को कसके पकड़ता था एक एक्ट में इनके कज़न एंडी ने ट्रायल में बताया था कि जब एरिक छोटा था तो उसने एंडी को एक बार अपने डैड के पीनस मसाज के बारे में बताया था और कैसे ये मसाज हौजे कभी एक दूसरे पर मतलब अपने बेटों पर ही और कैसे कभी खुद पर करवाता था 1976 में जब लायल छः साल का था तो इनकी कज़न डायन मोलन इनके साथ रहने आई थी और जब वो उनके साथ रह रही थी तो उन्हें लायल के कमरे से रात में आवाज़ आती थी जब डायन ने पूछा कि लायल तुम्हारे कमरे से रात में आवाज़ें क्यों आती है तो लायल ने जो भी है उसके साथ करता था वो पूरा एक्ट डायन को बताया पर क्योंकि ये लोग उस समय बहुत छोटे थे बच्चे थे ये लोग तो उन्हें कुछ होजे तो इन दोनों को पौन दिखाया करता था और जैसा स्क्रीन में होता था वैसा ही अपने बेटों से करवाता था और ये करवाने के बाद वो उनकी फोटोज क्लिक करता था एंड ये सब कुछ बस भाइयों का कन्फेशन नहीं है एक केस में एरिक ने बताया कि उनके डैड ने इनकी बचपन में काफ़ी सारी अश्लील फ़ोटोज़ ली थी एंड हाँ बहुत सारे केसेस में होता है जैसे अगर बच्चा नहा रहा हो तो पेरेंट्स फ़ोटो खींच लेते हैं या फिर अगर बच्चा कोई ड्रेस पहने तो क्यूट देखने की वजह से पेरेंट्स फोटो क्लिक कर देते हैं पर जिन पिक्चर्स की एरिक बात कर रहा था वो पिक्चर्स पुलिस को सच में कि एक बक्से में मिले थे जिसे उसने लॉक करा था सो इवन किटी न्यू अबाउट दिस थिंग एंड शी वॉज ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम समबडी और जब ये फोटोज कोर्ट में पेश करी गई थी तो ज़ूरी ने भी देखते ही ने, इन फोटोज को देखते ही फ्लिंच करा था सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप की फोटोज थी The uh, I'm just gonna show it. So this is the naked picture of you that you were testifying about. Yes. Is it embarrassing this picture? Yes. What exhibit number was that? Your Honor, that one is um, 232. So, Hernandez, I'm showing you a Kodak Color Prints envelope with the number 219 on it. Would you take a look at that? Do you recognize the handwriting on the front? That's my mother's. And what does it say? Eric's birthday, November 1976. And in November 1976, how old would you have been? Eight. Showing you what we've marked as 223. Do you recognize that photograph? That. And who's that? That's uh, me. No. 224. In sab ke saad saad. होजे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और पावर हंग्री था वो दोनों भाइयों को बहुत मारता था अगर वो टेस्ट में अच्छे नंबर ना लाए या फिर वो घर में कुछ गड़बड़ी कर दे तो या फिर अगर वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट ना आए विच अफेक्टेड दैम मेंटली सो मच सो कि लायल का दिमाग yeah. जब फर्स्ट ट्रायल ख़त्म हुआ था तो इन दोनों पर टेस्ट करे गए थे तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि लायल का दिमाग लायल का शरीर तो बड़ा हो गया था पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो अभी भी एक आठ से चौदह साल के बच्चे की तरह सोचता था वो ही एज जब होजे लायल को अब्यूज़ करता था और उसे मारता था विच इज़ अगेन अंडरस्टैंडेबल क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो एरिक ने छोटे भाई ने अपने बाप की बात सुनना हाई स्कूल से बंद कर दिया था वो रेबल करता था घर में नहीं रहता था और घर में ना रहने की वजह से घर में ना रहने की वजह से हौजे अपना सारा गुस्सा बस लायल पे निकालता था एरिक को ये समझ आ चुका था कि उसके डैड उसके साथ क्या करते हैं तो अगर कभी हौजे एरिक को पकड़ता था उसके साथ कुछ भी करने के लिए तो वापस उसे मार देता था जिसकी वजह से हौजे को फिजिकली एरिक से नफरत जैसी होने लगी थी एंड अगेन इसकी पूरी भड़ास वो लायल पर निकालता था और अगर तुम लोग को याद होगा तो लायल बेड महसूस हो करता था ही इज़ टू बैट हिज़ बेड तो कहीं बार जब होज़े सुबह उठता लायल के कमरे में जाता और ये देखता कि उसने बेड गीला करा है तो वो उसी बेड में पहले उसे मारता और फिर उस ही बेड में वो उसका शोषण करता था और शोषण करते हुए ऑब्वियस बात है छोटा बच्चा चिल्लाएगा ही तो ये सारी आवाज़ एरिक को अपने कमरे में और किटी को अपने कमरे में सुनाई देती थी पर वो दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज होजे वॉज़ दैट स्केरी और हमेशा इसके बाद जब लायल वापस एरिक के कमरे में आता तो एरिक लायल से माफ़ी मांगता था क्योंकि एरिक को लगता था कि लायल की ज़िंदगी बर्बाद It <laughs> started with after sports practices, he would massage me, and uh, we would have these talks, and he would show me, and he would uh, fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would, I would touch him, and we would undress. Um, Where would this take place? In my bedroom. And how often would this happen? two or three times a week and for how long did this happen not too long it began to change when did it begin to change I'm not sure exactly at what time but almost close to when I was seven and how did it change just became more involved what do you mean more involved we would be in the bathroom and uh, um, it would he would put me on my knees and he would guide me, all my movements, and I would um, uh, have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He used uh, objects. Uh, what kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. In the bedroom, we'd have what we called object sessions and just slide my pants down or take my pants off. Um, sometimes it'd be for sh sh a short period of time. Sometimes longer. It'd just lay me on the bed, and he'd have a tube of Vaseline, and he just played with me. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? it he raped me. tak. Lyle school or tennis practice ke baad ka time apne dad और तुम्हें भी उसके आंसू देख कर यह पता चल गया होगा कि यह पूरा टाइम उसके लिए अच्छा नहीं था पर जैसे जैसे वो अपने डैड के साथ रहता गया उनका एस ए सहता गया लायल के अंदर भी एक अजीब सी लस्त आ गई थी नाउ लस्त खुद में बहुत सा साउंड करता है क्योंकि लस्त इज़ एसोसिएटेड टू अ डर्टी मीनिंग पर लायल की ये लश्त क्यूरियोसिटी से जुड़ी थी वो अपने डैड से तो नहीं जीत सकता था पर वो अपने छोटे भाई से जीत सकता था उस पर हावी हो सकता था उससे काम करवा सकता था तो कहीं बार लायल एरिक को बहला फुसलाकर अपने घर से पीछे जंगल में ले जाता यही जंगल जो उनके टेनिस कोर्ट के बगल में था और एरिक के साथ साथ लायल भी होजे की तरह अपने साथ टूथब्रश और दूसरी ऑब्जेक्ट्स लेकर जाता था एंड फिर जैसा होजे उसके साथ टूथब्रश और बाकी ऑब्जेक्ट से खेलता था वैसे ही लायल एरिक के साथ करता था यह देखने के लिए शायद कि आखिर उसके डैड को इतना प्लेजर क्यों मिलता था उसे रुलाने में उसे तंग करने में और उसे मेंटली स्कार करने में so yes, लायल और सो यस, लायल ने सब करना बंद कर दिया था जब एरिक तेरह साल का हुआ क्योंकि तेरह साल के बाद अब एरिक पर होजे की नजर थी इसीलिए पंद्रह से सोलह साल की उम्र में जब एरिक हाई स्कूल में था तो उसे सब कुछ समझ आने लगा था और फिर होजे से असॉल्ट होने के बाद एरिक ने होजे से दूरी बनाई वो घर से बाहर रहने लगा मे बी इन होप्स ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज हाउस हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एज वेल ये कहना कि इनकी फैमिली ट्विस्टेड थी विल बी एन अंडरस्टेटमेंट बट या आई एम गोना प्ले लायल्स टेस्टिमनी नाउ डिड यू किल योर ब्रदर डिड यू डू समथिंग टू योर Yes. What did you do to your brother? <sighs> I took him out to the woods. Whenever I felt. I don't know. I took him out sometimes. And I took uh, a, a toothbrush also. And I played with Eric in the same way. And I'm sorry. Did you think that it might be happening to someone else? Yes. And who did you think it was happening to? Eric. And did you do something about it? Yes. What did you do? I talked to my dad. What did you say to your dad? I told him that I knew what was going on with him and Eric, and I, and I heard the noises, and that I wanted him to leave Eric alone. Now, if you're human. वंडरिंग दिस थिंग कि इनकी माँ ने कभी कुछ क्यों नहीं करा पुलिस के पास क्यों नहीं गई वो कंप्लेन करने के लिए वेल किटी अकॉर्डिंग टू ब्रदर्स एंड किटी के नेबर्स के हिसाब से भी एक सेल्फिश ड्रग एडिक्ट एल्कोहलिक और डिस्टेंट मदर थी ठीक है जो कि बस होजे की बात मानती थी और कहीं सारे मैटर्स में वो होजे को एनकरेज भी करती थी किटी अपने बच्चों पर बहुत चिल्लाती थी उन्हें वर्बली बहुत अब्यूज़ करती थी अगर वो छोटी सी भी कोई चीज़ घर के अंदर ख़राब कर दें या फिर घर के पास खेल दे तो, तो अगर वो लोग घर के बाहर खेलते हुए चिल्लाते थे तो किटी अपनी एक नोटबुक में उस चीज़ को नोट कर देती थी अगर वो घर के अंदर दौड़ते थे तो किटी उस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर देती थी अगर एरिक ने कुछ करा तो वो उसे नोट कर देती थी अगर लायल ने कुछ करा तो वो उसे नोट कर देती थी और जब होजे रात में घर वापस आता था तो ये डायरी किटी होज़े को दिखाती थी जिसके बाद होजे अपने बेटों को मारता था। And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she, she told me that he loved me. All of this was coming from boys. But Beverly Hills was like her past, Menendez ke neighbors, who had testimony that yes, Kitty was an alcoholic. And scene in gatherings may be seen create. जिनमें से एक गैदरिंग में किटी ने एरिक को पब्लिकली मारा था और किटी के रिंग की वजह से एरिक के मुंह पर नीला निशान पड़ गया था नाउ दिस टेस्टिमिनी वॉज अनोनमस एंड अगेन अनोनमस टेस्टिमिनी का कोई वेट नहीं होता है बट जो भी चीज़ें इस टेस्टिमिनी में भी कही गई हैं और जो भी चीज़ें एरिक ने भी कही थी दे ऑल लाइन अप टाइम वाइज आई आई डोंट नो आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन विद किटी हो सकता है ये चीज़ कि वो होजे से बहुत ही ज़्यादा डरती हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसे लगता था कि अगर वो होजे को परेशान करेगी तो होजे उसे पैसे देना बंद कर देगा पर एक माँ को तो बच्चे हमेशा अपने पैसों से ज़्यादा प्यारे होते हैं राइट आई थिंक सो सो दिस वॉज क्लियर कि होजे अपने बच्चों का रेप करता था पर लायल के प्रोसिक्यूटर पैम बोसनेच ने यह कहा कि मैन कुड नॉट बी रेप्ड बिकॉज दे लैक्ड द नेसेसरी इक्विपमेंट टू बी रेप्ड तो पैम बोजनिज के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास बूफ जवाजाना नहीं है तो तुम रेप नहीं हो सकते हो क्योंकि रेप के समय यू हैव अ हार्ड ऑन और एक पढ़े लिखे लॉयर से ऐसी बात सुनना ही तुम्हें ये बता सकता है कि कितना सीरियसली कोर्ट ले रही थी इनकी टेस्टमिनिस्ट को पर यह सब कुछ इन भाइयों ने अपने डिफेंस में बोला था जब जज ने इनसे पूछा कि बस इतना बताओ कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को मारा या नहीं तो एरिक ने जवाब दिया एज़ आई वेंट इन टू द रूम जस्ट स्टार्टेड फायरिंग और पहला ट्रायल यहां पर खत्म हुआ जो ये पहला ट्रायल था ये टेलीवाइज हुआ था तो लोगों ने अपने नैरेटिव भी बना रखे थे कि क्या लड़कों को जेल में डालना चाहिए या नहीं एंड दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर केस लोग हर एक सेकेंड इस ट्रायल को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहे थे पर जब सेकेंड ट्रायल शुरू हुआ तो जज ने इसे टेलीवाइज करने से मना कर दिया क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन था पब्लिक ओपिनियन की वजह से ज्योरी में कहीं सारे लोगों का जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था इसीलिए विच इज़ इस फेयर आई थिंक सो so. पर सेकेंड ट्रायल जब खत्म हुआ तो प्रोसिक्यूटर ने ये चीज़ साबित कर दी कि जितनी भी ये अब्यूज़ की बातें हैं सबसे पहली बात तो ये थी कि इनके लिए कोई भी इनके लिए ना तो कोई विटनेस था ना ही वहाँ पर कोई एविडेंसेस थे इसलिए ये खारिज हो गया था और फोटोज को ये कहकर निगलेक्ट कर दिया गया था कि दे वर इनसेंट विच वर क्लिक्ड बाय देयर पेरेंट्स ट्रायल खत्म होने पर दोनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी पर जज ने उन्हें फांसी नहीं दी क्योंकि उनके कोई भी पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे और दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया था और नाइनटीन से ट्वेंटी तक दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था पर फिर फेब्ररी 2018 में लायल को म्यूल क्रीक स्टेट प्रिजन जो कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है वहाँ मूव करा दिया गया जहाँ 22 साल बाद दोबारा दोनों भाई मिले थे उन्होंने एक दूसरे को देखते ही हक करा और वो रोने लगे और 2018 से दोनों भाई एक साथ एक ही प्रिजन में पढ़ाई कर रहे हैं लायल अपने लॉ का सिलेबस रिवाइज कर रहा है और एरिक भी उसकी मदद करता है अब यहाँ पर मैं तुम लोग को नॉर्मली ये बोलता कि अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करो कि इन्होंने जो करा वो सही था या नहीं क्योंकि एविडेंसेस लैकिंग है इस केस में इसीलिए पर रिसेंटली ये लाइट आई है कि लायल ने अपनी एक कजन को लेटर लिख के भेजा था जिसमे उसने होजे से करे हुए हर एक अब्यूज को डिटेल में लिखा था अभी तक ये लेटर क्लैरिफाई नहीं हुआ है पर अगर इसकी डेट प्रिस होती है तो शायद से ये दोनों भाई बाहर आ सकते हैं जेल से इतने सालों बाद भी और तो और 2023 में होजे की कंपनी से लिंक्ड एक बॉय बैंड के मेम्बर रॉय रोसोलो ने भी सामने आने का फैसला लिया और उसने ऑलमोस्ट हर एक चीज जो कि लायल के साथ हुआ था वो सब कुछ एडमिट कर दी रॉय ने कहा कि होजे ने उसे भी इंडस्ट्री में लाने के लिए हरास करा था एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि कोई होजे की कंपनी से सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए आवाज़ उठाएगा क्योंकि उसके ऑफिस में सबको पता तो था पर किसी ने भी कुछ कहा नहीं था हरासमेंट के बारे में सो एट दी एंड ऑफ द डे देर इज़ सम लाइट फॉर मेनेडस ब्रदर्स एंड क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था इस केस में जब मैं मान नहीं रहा था कि इनके साथ सच में ऐसा हुआ है क्योंकि एवरी थिंग इज सो हॉरफाइंग पर जब से ये रॉय नाम का आदमी आ गया है तब से आई एम एक्चुअली बिलीविंग के साथ ऐसा हुआ होगा सबसे पहले तो रॉय वाला आदमी फेयर जो फोटोज थी उसकी वजह से भी सो आई या आई डू बिलीव इन दैम आई थिंक सो पर इसी के साथ मैनेडस फैमिली का केस यहीं पर अभी के लिए समाप्त होता है बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी आई होप यू गाइज आर हेल्थी प्लीज़ कीप योर लव वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी सुन बाय बाय